सिंपल लैंग्वेज में बताओ आपके बहुत टाइटल शब्द क्या है। क्रिएटिव चीज है, क्रिएटिव क्रिएटिव है। चीज है। ओके हाँ क्रिएटिव है। हाँ ओके अच्छी बात है। तो फोटोशॉप से आप क्या क्रिएटिव बना सकते हो? क्रिएटिव फोटोज, बैकग्राउंड्स और रियल इमेज। ओके फोटोज बना सकते हो, बैकग्राउंड बना सकते हो, रियल इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे बोल रहे हो हाँ करेक्ट है? ओके फोटोशॉप आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है? फोटोशॉप मतलब आप फोटोशॉप लर्न करने से आपके पर्सनल लाइफ में आप क्या चीजें डेवलप कर सकते हो या उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? है वो फोटोशॉप तो मेरे के बहुत काम में आएगा आगे। वैसे तो हाँ डेफिनेटली काम में तो डेफिनेटली बहुत आएगा। बट बहुत आने वाले। एग्जैक्टली मैं एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा हूँ कि आपको एज अ एजुकेशनल कौन सी चीजें डेवलप करने में हेल्प करेगा? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट बोल सकते हो या फिर कोई डिजाइनिंग ऑफ समथिंग समथिंग। तो मैं जस्ट यस पूछ रहा हूँ कि फोटोशॉप लर्न करने से ये टूल आपके पास अभी लाइफ टाइम रहेगा करेक्ट है? तो इस चीज को यस आप अपनी एकेडमिक लाइफ में किस तरीके से यूज कर पाओगे? मैं खुद को बिल्डअप करने के लिए यूज करूंगा। और क्या ओके मतलब दैट्स कि ऐसे खुद खुद के ही थोड़ा सा आगे सोचा। मैं क्या बिजनेस करने वाला हूं मैं, डेफिनेटली आपने सोच लिया है कि तो आप वही चाहिए अपना माइंड। बिजनेस करोगे, आपने हाँ सोच लिया है तो आप अपने हाँ बिजनेस वो को प्रमोट बहुत करने काम के में लिए। आएगा ओके तो आप बोल रहे हो कि आप अपने अपने लोगों बिजनेस के लिए, करोगे। अपने पैकेजिंग के लिए, बहुत सारे वर्क्स के लिए कर सकता हूँ मैं इसको यस यूज। वेरी गुड दैट्स आई एम वेरी हैप्पी विथ योर आंसर कि आप बोल रहे हो कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो कि फोटोशॉप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्ट डिजाइनिंग करने के लिए या फिर कोई यस पोस्टर क्रिएशन के लिए, या हमने क्लास में ये चीजें डिस्कस करी है अभी तक। हमने एक टी प्रोडक्ट टी ब्रांड के लिए एक लोगो लोगो बताया था मैंने उस दिन, एंड उसका एक क्रिएशन करके बताया था कि ये चीज कैसे प्रिंट होने वाली है और कितने क्वांटिटी मतलब कि लार्जर डायमेंशन में वो लार्जर स्केल पे प्रिंट होने वाला है। सो दैट इज अ फोटोशॉप यू कैन यूज एज अ ब्रांड टू क्रिएट द ब्रांडिंग राइट नो। ब्रांडिंग मतलब यस कोई भी चीज का क्रिएशन करना दैट इज द पार्ट ऑफ आवर फोटोशॉप। मतलब मे बी आप लोगो क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए। ओके योर नेम इज आदित्य गुप्ता तो आप एजी नाम से कोई ब्रांड यस स्टार्ट कर रहे हो। ये कोई भी ब्रांड हो सकता है, फूड ब्रांड हो सकता है, स्टाइल ब्रांड हो सकता है, फैशन ब्रांड हो सकता है, या कोई भी ब्रांड हो सकता है एजी ब्रांड नेम। तो एजी के नाम से आप खुद का लोगो बना सकते हो। फिर यस उसका मे बी आप शू ब्रांड बना रहे हो तो शू ब्रांड की डिजाइन क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप में, फिर उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। तो इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। बट यस आपका आंसर बहुत रिलेटेबल है कि आप फोटोशॉप लर्न करके उसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो ठीक है। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोला आपने, ये आंसर बिजनेस से रिलेटेड है आपने बोला हाँ अकॉर्डिंगली एज पर योर आंसर। मेरा क्वेश्चन है कि ये आपके एकेडमिक आप अभी एजुकेशन ले रहे हो तो आपके एकेडमिक यस लाइफ में ये क्या चेंजेस ला सकता है? एकेडमिक मतलब कि एजुकेशनल लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है? टू क्रिएट समथिंग, टू बिल्ड समथिंग, टू प्रिंट समथिंग इस तरीके से। रिलैक्स रिलैक्स ऐसे नॉर्मल होके आंसर कोई हाँ मतलब टेंस होने नॉर्मल सोच रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली टेंस होने की बात नहीं है, मार्क्स वाला सीन नहीं है यहाँ पे। कुछ भी स्टडी रिलेटेड, मतलब कि उसको फोटो में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब कि जैसे मैथ्स है, उसका मैथ्स भी एक टाइप भी एक डिजाइन होता है।
जो उसमें जो शेप्स रहते हैं उन सबको अगर मिक्स करके कुछ करे तो नहीं क्या एक डिजाइन बनता है, वैसा कुछ कर सकते हैं ओके, स्टडी तो रिलेटेड। एग्जैक्टली आपने बताया स्टडी रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ चीजों को कलेक्ट करके कोई अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो। ओके, देन हाँ आप वही प्रेजेंटेशन शेप सब प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्लाइड क्रिएट करने के लिए इसको यूज कर सकते उसके हैं। लिए भी यूज कर सकते पीपीटी पीपीटी बनाते हैं ना बिल्कुल। क्लास में, राइट? पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस तो नॉर्मली पावर यस पॉइंट यस प्रेजेंटेशन में जो डिफॉल्ट स्लाइड्स होते हैं वही यूज करते हैं सारे लोग, बट बिकॉज आपको फोटोशॉप पता है तो आप खुद की स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, और उसको यूज कर सकते हो, मतलब एज अ इमेज यूज कर सकते हो, करेक्ट है? यस राइट। और कोई भी चीज का जैसे कि एक्सप्लेनेशन रहता है बुक स्टडी रिलेटेड, तो नंबर ऑफ डायग्राम्स, फिर उसका डायग्राम्स को कलेक्ट करके, फिर खुद का पॉइंट्स बना करके, समथिंग यू कैन क्रिएट योर ओन स्टडी मटेरियल एज वेल, राइट? बिकॉज फोटोशॉप में तो सारी यस चीजें होती है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उसको स्टडी में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। मतलब मे बी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका इमेज रहेगा, फिर उसको आप एरो करके उसके पॉइंट्स लिख सकते हो वहीं पे, थेरोटिकल न जाते हुए, राइट ना? नहीं तो थेरी थेरी उसको डिस्क्रिप्शन करो, ये करो वो करो, मतलब थेरी तो बहुत, बहुत लंबी रहती है, हाँ एग्जैक्टली, बहुत लंबा रहता है। बट उसी चीज को हम फोटोशॉप में उसके शॉर्ट में कन्वर्ट कर लो। राइट एक डायग्राम निकाले, फिर उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे एरो करके पॉइंट्स दिए, फिर ये फर्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, तो वो चीज को प्रिंट इजी करके लगा लर्निंग दो। हो जाता है। एग्जैक्टली, तो आपको मतलब 5 पेज 10 पेज को याद करने की जगह 10 पॉइंट को याद करे तो हो जाता है। एंड वो मतलब कि व्हाट, जो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग, कोई भी ग्रेजुएशन में, इस मेथड को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं कि जहाँ पे आप 10 पेज का डिस्क्रिप्शन याद नहीं करते, थ्योरी याद नहीं करते, तो पॉइंट्स ही याद करते हो, और पॉइंट्स को मतलब जितना व्हाट वी कैन से डायग्रामेटिकली या विजुअली आप रिप्रेजेंट करते हो अपने दिमाग में या अपने आगे में, ये मेरा पेज है तो यहाँ पे मैंने जैसे कि कोई भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, अभी देखेगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये पॉइंट्स किस चीज के हैं कि मुझे एक असाइनमेंट है, व्हाट इज माय असाइनमेंट, टू क्रिएट अ लोगो डिजाइन। ये मतलब कि लोगो डिजाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, फिर इस पॉइंट्स को मैं स्केचिंग के लिए यूज करता हूँ कि चलो ठीक है, एजी का लोगो बनाना है, एजी आदित्य गुप्ता ब्रांड समथिंग लाइक, तो एजी से एजी किस चीज में ये डील करता है वो पॉइंट्स है, फिर उस पॉइंट्स के सपोर्ट से अपन कुछ डायग्राम बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, एंड उस स्केच को अपन सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है? सो यस डेफिनेटली, तो आप आपके अकॉर्डिंगली फोटोशॉप डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाएगा, करेक्ट यस है? ओके, दैट्स गुड, सो नाइस, दैट्स वेरी गुड कन्वर्सेशन विद यू। अभी लेट्स कम टू द रियल पॉइंट। ओके, सी,